अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यार आज का सीन कुछ इस तरह से, तकरीबन 7 बज चुके हैं, इफ्तार होने में 30 मिनट्स रह चुके हैं जस्ट। तो मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट, मेरा कज़न आ रहा है, हमज़ा भी मेरे साथ जा रहा है। तो हमज़ा ड्राइवर के साथ टैक्सी पे इधर आ रहा है फ्लैट के नीचे, जैसे आएगा वो मुझे कॉल करेगा, तो मैंने भी उसके साथ ही जाना है एयरपोर्ट। तो इफ्तार भी रास्ते में करेंगे जस्ट सिंपल सी, उसके बाद फिर आकर इंशाल्लाह फ्लैट पर बालशाही मतलब खाना वगैरह खाएंगे। तो चलें, लेट्स स्टार्ट। तो यार ये आ चुके हम लोगों की गाड़ी। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम ब्रात। यार आज पहला दिन था हम लोगों को बिश्केक में, फील हुआ कि बहुत ज्यादा गर्मी है। कैसे थी हमजा गर्मी? आज बहुत ज्यादा गर्मी थी, इस तरह समझे 24 आज टेम्परेचर था, थोड़ी देर पहले मैंने चेक किया तो 16 पे भी एसी चल रहा था, फील नहीं हो रहा था। पहले बहुत ज्यादा ठंड लगती है, गर्मियाँ आने की वजह से मौसम भी बहुत ज्यादा खुशगवार हो गया, चहल पहल यहाँ बिश्केक में ज्यादा हो गया लोगों के आमदोरफ। पहले ठंड की वजह से ज्यादा मेरे ख्याल तक फ्लैटों में ही रह जाते हैं लोग। हम लोग प्लोशत के पास से गुजर रहे हैं, ये इस तरह समझे यूएसएसआर के टाइम की इनकी सबसे बड़ी मेन बिल्डिंग है। तो ये देखें, ये मनास, अच्छा ये किर्गिज फ्लैग एंड ये प्लोशत। सात दस पर उसकी फ्लाइट की लैंडिंग थी और इस टाइम 7:21 हो चुके हैं, तो टाइम तो बहुत ज्यादा हो चुका है। वैसे एयरपोर्ट का यहाँ से डिस्टेंस नियर अबाउट 40-45 किलोमीटर है हम लोगों के अपार्टमेंट से, यहाँ पर तकरीबन 30 मिनट्स हम लोगों को लग जाएंगे। अभी अभी तो हम लोग ओश बाज़ार, ये इनका मेन मार्केट है ओश बाज़ार, उसके हम लोग करीब पहुँचे हैं। तो देखते हैं, रोज़ा वैसे रोज़ा अफ्तार होने तकरीबन 7:34-35 है ना हमजा जी? कितने 7:35 है? 37 होगा, हाँ एक्सटेंड हो रहा है डेली। आज 7:37 पे रोज़ा अफ्तार होने, तो कुछ चीज़ पानी वगैरह भी रास्ते से लेते हैं, जैसे ये बाज़ार क्रॉस करेंगे उसके बाद हम लोग किसी अच्छा सा स्टोर वगैरह देखेंगे, वहाँ से पानी वगैरह ले लेंगे। ये वैसे पानी को वोदा बुलाते हैं। जस्ट 5 मिनट्स रह रहे थे, हम लोगों का तो इरादा था किसी फ्रंजे पर रुकेंगे लेकिन टाइम नहीं था, तो इधर ही से कुछ ना कुछ ले ही लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कोई बहुत लेजेंड वो पढ़ने लास्ट वाले, हाँ सेफ वगैरह। और तो कुछ नहीं मिला, जस्ट पानी यहाँ से मिला, तो किसी और शॉप पर रोकते हैं। स्प्रिंग सीजन स्टार्ट हो गया ना, तो इस वजह से अब आप देख रहे हैं कि ये ग्रीनरी बिश्केक में आना स्टार्ट हो गई है, बहुत प्यारा। आहिस्ता आहिस्ता ये बहुत चेंजेस आती जाएंगे बिश्केक में और बहुत ज़्यादा ग्रीन हो जाएगा, हरा भरा बड़ा प्यारा लगने लग जाता है। और वैसे आजकल इधर खेती बाड़ी भी शुरू हो गई है, ये देखें ये इन लोगों की जो ज़मीनें हैं। यहाँ से इस साइड पर ताशकंद है, इस साइड पर जी वो है अलमातिया कज़ाकिस्तान। तो इस तरह समझे क्या कह सकते हैं। वो एक शॉप मिली है लेकिन रोड क्रॉस करके जाना पड़ेगा। टाइम भी हो गया, आसान हो रही है। ये फ्रूट्स वगैरह पड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जी, पल्स वगैरह हैं, ये ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। हाँ ठीक है, ये भाई की तरफ से गिफ्ट दे गया, कहते हैं मुस्लिम हो तो ये देख। अफ्तार का स्पासी भाई क्या रामत, चले अफ्तार का टाइम भी हो गया। और इस भाई के लिए खजूरें ले लो, लो ना। अदीन दुरुक तो जी स्पासी बाबा की रामत दा 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 चल। क्लासेस भी साथ दे दिए हैं। यहाँ पर भी यार
हर मुल्क में डिफरेंट तरह के बहुत अच्छे, ये बहुत अच्छे लोग हैं। वैसे इधर बिश्केक में मैंने नोट किया, जब विलेज वाली साइड पर जाओ तो बहुत लोग केयरिंग होते हैं। भाई को भी रोज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोगों ने इफ्तार कर लिया, तो बस अब एयरपोर्ट थोड़ी देर तक पहुंचने वाले हैं, वहां पर जाके नमाज भी पढ़ते हैं और वो भी इंशाल्लाह आ ही गया होगा खैर से। एक किलोमीटर रह गया यहां से मनासर एयरपोर्ट। लास्ट टाइम हम जब आए थे ना इस एयरपोर्ट पर, तो इन सब ये जितने दरख्त हैं, जब मैं बल्कि पाकिस्तान से आया था, तो यहाँ सारी बर्फ ही बर्फ थी। तो हमजा खिदमत कर रहे हैं। तो ये है जी मनास एयरपोर्ट, इधर लेफ्ट साइड पे अप टर्न करना है। ये इतना बड़ा, ये जितना भी है, ये सारा पार्किंग एरिया ही है। और ये भी वैसे पार्किंग एरिया है, लेकिन यहाँ पर कुछ चार्जेस हैं, पैसे लिए जाते हैं गाड़ी ठहरने के। एक घंटे की 60 सोम लिखा हुआ था। आई थिंक लैंडिंग नहीं हुई अभी। ये देखें, यहाँ पर भाई पुश करेंगे तो एक कार्ड आ जाएगा, मतलब इनकी एंट्री हो गई है, तो बैरियर खुद ब खुद हट जाते हैं। फिर ऊपर से वो जो डिपार्चर एरिया है, और यहाँ से जी अराइवल एरिया जो आएंगे अब, तो एंट्रेंस यहाँ से है। यहाँ पर लिखा हुआ होगा पाकिस्तान में, लिखी हुई है हेलो अराइवल, आ गई है 740 का नहीं, ये लाहौर। हाँ हाँ, वो लाहौर लिखा हुआ है। हाँ, एयर नोमैड एयरलाइन थी ये। चले चेकिंग कराएं, चले। अभी तक जी हमारा लड़का नहीं आ रहा, और तो सब आ चुके हैं। ये इमिग्रेशन का मामला है। वेलकम बैक आओ जी, चलो आ जाओ, चलें। अकेले हो या कोई साथ है? और मेरा सामान लाए हो तो लेकर जाऊंगा, नहीं तो नहीं लेकर जाऊंगा। चलो वापस जाओ भाई। क्या यहाँ पर सिम्स फ्री दी जाती है? बहुत ज्यादा रश है, वो ठहरा जी। हाँ जी असीफ भाई, कैसा गुजरा सफर? थक गए? 3 घंटे का सारा सफर था। अच्छा, खाना अच्छा दिया या? खाने का नाम भी इन्होंने जाने था, रोटी भी। अच्छा अच्छा जी, आ जाओ। मैंने कहा उधर ही आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। अयो ना सर, वो खान करा ले आ। चलो आ जाओ, सबको मिल रहा है जी। ठीक है, चल सबसे पहले मेरा सामान निकाल। कौन सा सामान आपको? तुझे मैं बताऊंगा भी सही। पैसे लगेंगे पर केजी का, समझ ले $10। हाँ हाँ, दे रहा हूँ। ठीक है, पैसे हैं, पैसे हैं। यूनस का कार्ड है मेरे ख्याल से। यूनस का एटीएम कार्ड है, और ये हमारे पैसे हैं। सब बर्द घर चंगे भले बंदे ने पैसे सामान था। बस मेहर से दावत है आज। हाँ, ये जी टैंक, ये है जी मिठाई, ये है जी अदनान का सूट ईद का। आहा, चले एक मुझे दे।
ओहो ये चीज मुझे अच्छी लग रही है। ये यार मेहमानों के लिए। अच्छा 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 थैंक यू। चलो और सामान फिर कलेक्ट करते ही रहेंगे। चलो कजन मेहरबानी तो मेरा इतना सामान लाया। $100 खुलो। पहले तेरी बात डॉलर से शुरू होती है, डॉलर पे एंड होती है। केजी के हिसाब से पैसे लेगा। चलो अब अदनान का भी एक सूट है, उससे भी पहले पैसे लेना। नहीं ना रोटी खवाइए। देखो मैं रोटी खवे ना। यार ये था हमारा आज का व्लॉग। खाना अब हम लोग बनाने लगे हैं तो उसकी तैयारी करनी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़। हाँ और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दें।